खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकॉन दबाइए और एबीपी न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, कल भले ही जाधवपुर में अमित शाह रैली नहीं कर पाए, लेकिन आज वो ममता के गढ़ में होंगे, यानी कि कोलकाता में होंगे, और कई बड़े नेता और मंत्रियों के साथ रोड शो करेंगे। पश्चिम बंगाल में टीएमसी और बीजेपी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है। कल जाधवपुर में रैली को इजाजत न मिलने के बाद बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह आज कोलकाता में रोड शो करके ताकत दिखाएंगे। ममता जी अगर ये एक दो गिनती है ना, तो इसके पीछे तीन कब आ जाएगा उनको मालूम नहीं पड़ेगा। कोलकाता में आज होने वाले रोड शो की तैयारियां कई दिन से चल रही हैं। ममता के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन दिखाने में बीजेपी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। बीजेपी के बड़े नेता कई दिन से तैयारियों पर नजर रखे हैं। अमित शाह के रोड शो में बीजेपी के कई बड़े नेता और मंत्री मौजूद रहेंगे। मैं आज आपसे कह रहा हूँ कि 23 तो सीट हम जीत चुके हैं, अब जो अगले चरण में जितनी जीतेंगे वो 23 से ज्यादा सीट होगी। इस बीच दक्षिण कोलकाता में होने वाली योगी आदित्यनाथ की रैली को भी इजाजत नहीं मिली है, इस पर भी विवाद शुरू हो गया है। यही तो होने जा रहा है। ममता के गढ़ में शक्ति प्रदर्शन, अमित शाह ने दीदी के गढ़ में जय श्री राम के जयकारे पर दी है उन्हें खुली चुनौती। जय श्री राम, जय श्री राम। पश्चिम बंगाल के जोयानगर में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने जय श्री राम नारे के साथ पश्चिम बंगाल की ममता सरकार को सीधे सीधे चुनौती दे डाली। ममता दीदी, मैं जयनगर सीट की मंच पर से जय श्री राम बोलता हूँ और यहाँ से कलकत्ता जा रहा हूँ। हिम्मत है तो अरेस्ट कर लेना, हिम्मत है तो। चुनावी रैलियों से लेकर चुनाव के हर चरण में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में हिंसा की खबरें आम रही हैं। अब बीजेपी ममता पर हिंसा का आरोप लगाकर पोलिंग बूथों में 100% केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती की मांग कर रही है। बीजेपी नेताओं ने कोलकाता में कल चुनाव आयुक्त के दफ्तर के बाहर ममता सरकार के खिलाफ प्रदर्शन भी किया। यूपी से निकलकर प्रियंका गांधी अब मध्य प्रदेश पहुंची है पार्टी के लिए वोट मांगने। अब यहां प्रधानमंत्री मोदी पर उन्होंने कैसे चुटकी ली, ये आपको दिखाते हैं। चुनाव के आखिरी दौर में जुबानी हमले का दौर तेज हो गया है। एमपी के इंदौर में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पीएम नरेंद्र मोदी के एक इंटरव्यू में एयर स्ट्राइक पर दिए बयान पर जमकर हमला बोला। इतने बड़े रक्षा विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने सोचा कि ऐसा काम करेंगे, मौसम क्लाउडी है, रेडार पे नहीं आएंगे, और चाहे बारिश का मौसम हो चाहे खुली धूप हो, सब समझ गए हैं कि इनकी राजनीति की सच्चाई क्या है। कुछ लोगों ने रोड शो के दौरान मोदी मोदी के नारे लगाए तो प्रियंका रुक कर उन लोगों से मिली और उन्हें शुभकामनाएं दी। वहीं रतलाम में प्रियंका गांधी को उनकी दादी इंदिरा की याद आई और उन्होंने लोगों से कांग्रेस को मजबूत बनाने की अपील की। इस दौरान वो सुरक्षा को तोड़ते हुए महिलाओं के बीच पहुंची थी। तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील तो प्रियंका गांधी ने की ही, साथ ही जब मध्य प्रदेश में वो थी तो महाकाल के दरबार में दर्शन करना भी नहीं भूली। आखिरी चरण के मतदान से पहले प्रियंका गांधी ने उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा की। इस दौरान उनके साथ सीएम कमलनाथ भी मौजूद रहे। प्रियंका ने पूरे भक्ति भाव के साथ पूजा अर्चना की। शिवलिंग को पानी और दूध से नहलाया। प्रियंका काफी देर भोले की भक्ति में भी बैठी। महाकाल की नगरी उज्जैन में आखिरी दौर में 19 मई को वोटिंग होनी है।
स्वास्थ्य भारत में एक बड़ी खबर आ रही है, कर्नाटक से ये बड़ी खबर है। जी हाँ, कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दावा किया है कि चुनावी नतीजों के बाद कर्नाटक में बीजेपी के कई विधायक कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। तो कर्नाटक में नाटक देखिए, ऐसा लगता है कि खत्म ही नहीं हो रहा। चुनाव के बाद कर्नाटक में बड़ी उथल पुथल मच जाएगी। वेणुगोपाल कह रहे हैं कि नतीजों के बाद कर्नाटक में कई बीजेपी विधायक हैं जो कांग्रेस में हो जाएंगे शामिल। आई थिंक वी आर नॉट गोइंग टू पोच एनी एमएलएस फ्रॉम बीजेपी, बट नेचुरली दे विल कम टू कांग्रेस आफ्टर 23rd। बात अब उत्तर प्रदेश की करते हैं। यूपी में मायावती ने प्रधानमंत्री मोदी पर निजी हमला बोला तो बीजेपी अब माफी की मांग कर रही है। बीएसपी प्रमुख मायावती के पीएम मोदी पर विवादित निजी टिप्पणी पर सियासी संग्राम शुरू हो गया है। बीजेपी ने मायावती से माफी की मांग कर दी है। We are all absolutely safe, secure and have very good professional relationships in our party. वहीं बीजेपी ने मायावती पर गलत तरीके से धन बढ़ाने का आरोप लगाते हुए माया को दलित नहीं दौलत की बेटी बताया। आज दलित समाज ने उनके बारे में एक परसेप्शन बनाया है, जो उनकी एक छवि बनी है कि वो अब दलित की बेटी नहीं बल्कि दौलत की बेटी है, ये स्पष्ट हो जाएगा। योगी के गढ़ गोरखपुर में अखिलेश मायावती के संयुक्त रैली में गजब की भीड़ उमड़ी, जिसे देखकर मायावती अपनी जीत को लेकर पूरी तरीके से आश्वस्त दिखाई दी। क्या कुछ उन्होंने कहा, ये दिखाते हैं आपको। तस्वीरें यूपी के गोरखपुर की है, जहां कल महागठबंधन के नेता मायावती और अखिलेश यादव की संयुक्त रैली थी। गोरखपुर ही मौजूदा गठबंधन की वो सफल प्रयोगशाला है जो आज बीजेपी के लिए चुनौती बनी हुई है। उपचुनाव में एसपी बीएसपी ने मिलकर बीजेपी के गढ़ गोरखपुर में सेंध लगाई थी और मायावती ने कल फिर गठबंधन की मजबूती को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। 23 मई से बुरे दिन भी आने शुरू हो जाएंगे और फिर इसके बाद यहाँ इनके योगी की भी मठ में जाने की तैयारी फिर शुरू हो जाएगी। गोरखपुर में आखिरी चरण में मतदान है। बीजेपी की तरफ से भोजपुरी एक्टर रवि किशन मैदान में है। आपको पंजाब लिए चलते हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। दरअसल यह 84 सिख दंगों का जमकर जिक्र हो रहा है और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि कांग्रेस हाफ सेंचुरी से आगे नहीं बढ़ पाएगी। कहा है कि 84 में जो हुआ वो हुआ, हुआ तो हुआ, ये कांग्रेस की सोच को दर्शाता है। कांग्रेस आज पूरे देश में 50 सीट पाने के लिए संघर्ष कर रही है। कल राहुल गांधी ने पंजाब की एक रैली में अपने नेता सैम पित्रोदा के हुआ तो हुआ वाले बयान पर कहा कि उन्हें शर्मानी चाहिए। 1984 के बारे में बोला है वो बिल्कुल गलत बोला है और उनको देश से इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। मैं पब्लिक में बोल रहा हूं और यही मैंने सैम पित्रोदा को फोन करके कहा कि सैम पित्रोदा जी आपने बिल्कुल गलत बोला, शर्म आनी चाहिए आपको और यह आप पब्लिक अपॉलॉजी मांगे। देखिए, अब केवल आखिरी चरण का मतदान बाकी है और दिग्गज लगातार रैलियों में जुटे हुए हैं। आज की बड़ी रैलियों पर नजर डाल लेते हैं, कौन कहां कहां है, किसकी किसकी कहां कहां पर रैली होगी, कहां पर वो जनता से वोट मांगेंगे, वो आपको दिखा देते हैं। देखिए, नरेंद्र मोदी बलिया में होंगे उत्तर प्रदेश में, वहां पर वो जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट देने की अपील करेंगे और उसके बाद वो बक्सर पहुंचेंगे, बिहार के बक्सर और सासाराम और चंडीगढ़ में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा आज होगी। ये तो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम। चंडीगढ़ भी जाएंगे, वहां पर भी वोट मांगेंगे, बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील करेंगे, सासाराम बक्सर। और उसके बाद ये देखिए, कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी नीमच पहुंचेंगे, आज एमपी में उनकी ताबड़तोड़ रैलियां हैं। नीमच के बाद उज्जैन में राहुल गांधी रैली करेंगे, उज्जैन के बाद खंडवा में भी राहुल गांधी की रैली होगी, वहां पर भी जनता से कांग्रेस के पक्ष में समर्थन मांगेंगे। और रैली और रोड शो देखिए, प्रियंका गांधी मंडी में होंगी हिमाचल में, वहां पर रैली भी और रोड शो दोनों होगा। और इसके अलावा पंजाब में भटिंडा पहुंचेंगी प्रियंका गांधी और पंजाब में ही उसके बाद भटिंडा के बाद गुरदासपुर भी पहुंचेंगी, वहां पर भी कांग्रेस को जिताने के लिए अपील करेंगी। और बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह कोलकाता में आज होंगे, पश्चिम बंगाल में रोड शो करेंगे, उनके साथ कई और बड़े नेता भी वहां पर मौजूद रहेंगे। और देखिए, महागठबंधन अखिलेश यादव और मायावती आज सलेमपुर यूपी में होंगी, वहां पर महागठबंधन प्रत्याशी को जिताने की अपील करेंगे। ये है आज की बड़ी रैलियां।
राजस्थान लिए चलते हैं। यहाँ पर वीर सावरकर को लेकर संग्राम छिड़ गया है। वीर सावरकर के नाम पर राजस्थान में सियासी महाभारत शुरू हो गई है। वजह यह है कि कांग्रेस की गहलोत सरकार ने स्कूली पाठ्यक्रम से सावरकर की जीवनी वाले पाठ में बदलाव कर दिया है। तो मेरा मानना, कोई भी पार्टी हो जो इतिहास को तोड़ेंगे मरोड़ेंगे वो खुद का इतिहास नहीं बना पाएंगे, ये मेरा मानना। अब बीजेपी से सावरकर का अपमान बता रही है। कांग्रेस सदैव एक ही परिवार के गुणगान करने वाली और राष्ट्र भक्तों के इतिहास से परहेज करने वाली पार्टी रही है। करीब 3 साल पहले वसुंधरा सरकार ने 10वीं कक्षा का जो सिलेबस तैयार किया था उसमें सावरकर को वीर और महान देशभक्त बताया था, लेकिन इसमें बदलाव कर ये बताया गया है कि सावरकर ने जेल में यातनाओं से परेशान होकर ब्रिटिश हुकूमत से दया की मांग की थी। बीजेपी और आरएसएस विनायक दामोदर सावरकर को स्वतंत्रता सेनानी बताती है। उत्तर प्रदेश में सांड पर सियासत अभी भी जारी है। योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर फिर पलटवार किया है। यूपी में सांड पर सियासत वैसे तो पहले चरण से ही शुरू हो गई थी, लेकिन आखिरी चरण में भी सांड पर सियासी घमासान जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ कुशीनगर में जनसभा करने पहुंचे थे। मंच से बोलते हुए योगी ने सांड विवाद का जिक्र किया और समाजवादी पार्टी के नेताओं को कसाईयों का साथी बता दिया। वहाँ पे गठबंधन की रैली थी और वहाँ पर लोग कह रहे थे कि साइकिल पे हाथी चढ़ा है। एक नंदी तब तक वहां अंदर घुस गया और घुस करके वो जब तक फुंकार मारता मुझे जानकारी मिली, मैंने भी यहाँ से इशारा किया, मैंने कहा नंदी बाबा वापस आ जाओ। वो कह रहा था बड़े गुस्से में, कह रहा था एक कसाईयों के मित्र हैं, मेरी संतति को कटवाते थे, आज हमारी रक्षा हुई है, अब बदला लेने का समय आया है। सियासत की ये सांड कथा कन्नौज की रैली से शुरू हुई थी, जब अखिलेश मायावती की रैली में सांड घुस आया था और कुछ लोगों को घायल कर दिया था। अखिलेश ने आवारा जानवरों की बात उठाई तो योगी नंदी का जिक्र कर सियासी पलटवार कर रहे हैं। यूपी की राजनीति में भूचाल लाने वाली एक बड़ी खबर आपके सामने। यूपी में सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने 3 सीटों पर गठबंधन और 1 सीट पर कांग्रेस को समर्थन दे दिया है। इन सभी सीटों पर राजभर की पार्टी के उम्मीदवारों का पर्चा हो गया था खारिज। अब इन सभी सीटों पर, इन 4 सीटों पर 19 तारीख को आखिरी चरण में मतदान होना है। ओम प्रकाश राजभर, याद कीजिए, योगी सरकार में शामिल है अभी भी, लेकिन वो लोकसभा चुनाव में बीजेपी के साथ नहीं है।